कैसे हो गाइस, आप सब लोग। तो आज हम फिर से मिल रहे हैं एक ब्रांड न्यू वीडियो में। तो गाइस, आज हम खेल रहे हैं माइनक्राफ्ट फिर एक बार। तो गाइस, जैसे आपको पता होगा, पिछली वीडियो में हमें मिली थी एक प्यारी सी माइनशाफ्ट। और गाइस, आज हम जाने वाले हैं उस माइनशाफ्ट को लूटने से। उसके पहले आप गाइस देख सकते हो अपना वीट उठ चुका है, तो चलो इसको काट लेते हैं। तो गाइस, आप देख सकते हो पूरे के पूरे 53 मिले मेरे को। पहले इसको वीट में कन्वर्ट कर लेता हूँ, ये हो गया 32। और यहाँ पे देख सकते हो भाई कितने सीड मिले हैं। रुको, इसको और गाइस मैं मिलता हूँ आपको सीड को लगा के। तो गाइज, आप देख सकते हो मैंने पूरे के पूरे सीड लगा दिए। और गाइज, आप ये बोल रहे हो कि ये क्या चीज़ है। तो गाइज, मैंने डबल चेस्ट बनाई है, मतलब जो हमें लीव्स व्यूज मिलते हैं या फार्मिंग का कुछ सामान मिलता है, तो मैं इसे यहाँ पे रख देता हूँ। तो अभी आप देख सकते हो 3 स्टैक और आधा स्टैक हो गया है। और ये भी फार्मिंग का ही आता है, तो ये भी इसमें जाएगा। तो देख सकते हो अपना क्राफ्टिंग टेबल उठा लेता हूँ, इसको यहाँ पे रख दो। तो चलो, खाने का काम हो चुका है, अभी हमें जाना है माइनशाफ्ट के लिए। तो पहले मेरे को शील्ड लेने दो, आयरन की पिकेक्स भी रहने दो, क्योंकि अगर डायमंड वायमंड मिल जाते हैं तो अपना ही फायदा है। शील्ड को डायरेक्ट मैं ऐसे कर सकता हूँ और इसको ले लूँगा। तो और क्या चीज़ें ले सकता हूँ, बिल्डिंग ब्लॉक तो है, थोड़ा कोल ले लेता हूँ, इसमें से कोल ले लेता हूँ, बाकियों में है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कोल ले लेता हूँ। और स्टिक बनानी है मेरे को, स्टिक ही बोल रहा हूँ, टॉर्च बनानी है। बहुत बढ़िया, अगर लगे तो और बना दूंगा। तो गाइज, अब हम तैयार है पूरे जाने के लिए, तो चलो चलते हैं। तो बंद कर देता हूँ और चलो अब चलते हैं। यहाँ से ही जाना है, यहाँ पे शायद से मेरी बोट होगी। कहाँ पे है बोट? ये देखो भाई, हंगर क्या ही कम हो रहा है। तो बोट तो नहीं है, तो तैरने जाने से अच्छा, मतलब उड़ तो नहीं है ये, अलग उड़ मिल गई, क्योंकि मैं बर्च लेके घूम रहा हूँ और ये अपने ओक मिल गई। वाह वाह, क्या ही क्राफ्टिंग किया मैंने। चलो, अरे क्राफ्टिंग टेबल की जगह में आ गई बोट, कोई बात नहीं। वाह, और हमें बोट विथ चेस्ट वाली अचीवमेंट मिल गई है, कोई नहीं। 1.19 में तो जिसको पता ही होगा, बोट प्लस चेस्ट आ गई है। तो हमें यहाँ से वहाँ तक जाना है, रेंडर भी नहीं हो रहा उतना दूर है अपना केव। तो गाइज, चलो इसको यहाँ पे रहने दो। तो गाइज, मैं मिलता हूँ आपको डायरेक्ट अपने केव के पास। गाइज, आप देख सकते हो मैं अपनी डरावनी केव के पास पहुँच चुका हूँ। और देखते हैं अपनी पिंक शिप अभी भी है यहाँ पे, ये क्या है? अरे वाह, अपनी पिंक शिप अभी भी वहाँ पे, और मैं अभी गिर के डैमेज ले लेता। और ये देखो गाइज, अपनी डरावनी केव की एंट्री आ चुकी है। टॉर्च यहाँ पे रख देता हूँ, लगाने के लिए डायरेक्ट लगा दूंगा। चलो, यहाँ पे कोल है, कोल की तो जरूरत है, तो कोल माइन कर लेते हैं। वाह, क्या ही कोल दिया, हंगर कम करने नहीं देना, जितना ज्यादा रखेंगे उतना अपने लिए फायदा है। चलो यहाँ पे मस्त, वाह नीचे से क्रीपर जा रहा है, पर हमें उससे कुछ भी पंगे नहीं लेने हैं। ओ, मेरे को लगा अभी डैमेज आ जाएगा। अरे भाई 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 भाई, मत 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 देखना, मत देखना ऊपर, मत देख, शायद से इसने मेरे को देख लिया है, पर देख। अब ये तो रिस्की काम हो गया, ये तो सामने आके बैठ गया साले क्रिपर। अरे इसने मेरे को ही देख लिया, ये मेरा पीछा कर रहा है। बच गया, आप एक टॉर्च लगा देता हूँ। अब मैं भूल गया, अरे गलती से यहाँ पे आ गया, यहाँ पे जाना है हमें, यहाँ पे।
क्रिपर के वजह से अभी पंगे हो जाते। यहाँ से निकल लेता हूँ, कॉल बहुत सारा है यहाँ पे तो। चलो कोल तो माइन कर लिया, अब चलते हैं अपने माइन शाफ्ट की तरफ। बहुत बढ़िया, यहाँ से ऊपर और यहाँ से फिर से नीचे, और अब हम पहुँचने वाले हैं अपने माइन शाफ्ट की तरफ। मेरे को डर इस बात का लग रहा है कि अपना माइन शाफ्ट और वो एंशिएंट सिटी मिक्स ना हो जाए, पर एंशिएंट सिटी इतने ऊपर नहीं मिलती इसलिए ऐसे दिक्कत की बात भी नहीं है। देखते हैं यहाँ से कहाँ था भाई, कितने दिनों के बाद खेल रहा हूँ माइनक्राफ्ट इसलिए याद भी नहीं आ रहा। यहाँ पे गोल्ड है, कौन नहीं उठाना चाहिएगा। शायद से आपको दिख नहीं पा रहा होगा, कोई नहीं चलो। अरे वाह, यहाँ पे भी है। चलो अब फोकस करते हैं अपने माइनशाफ्ट के यहाँ पे। रुको, वहाँ जाने में बहुत टॉर्च लगने वाली है तो पहले से ही प्रिपेयर रहते हैं ना, हमारे फायदा होगा। नहीं टॉर्च ठीक है, चलो। और ये टॉर्च लगाने में दिक्कत आ रही है इसलिए इसको ऐसे कर देते, क्योंकि डायरेक्ट ऐसे लगा पाऊंगा मैं। और शील्ड तो कंपलसरी है भाई, अभी सुबह इसलिए ज़्यादा मॉब नहीं है। सुबह होने से पहले, मतलब रात होने से पहले हमें जाना होगा। और क्रीपर हमारा स्केलेटन, मार क्रीपर को, मार क्रीपर वाले निकल। बहुत बढ़िया, अरे साले मैं इसको क्रिटिकल देने वाला था। निकल, तभी रेसिपी मिल रही है क्या मेरे को, मतलब फिर से 1.19 फिर से। यहाँ सब पानी आ रहा है, ओ वहाँ पे जियोड है। बढ़िया, गोल्ड नहीं, अभी माइन शाफ्ट के लिए जाना है। वहाँ पे क्रीपर था, हाँ। और यहाँ ओ भाई, जस्ट मेरे को आवाज़ आया इसलिए मैं बच गया। ये देखो ये जियोड का ब्लॉक है। यहाँ पे टॉर्च लगा देता हूँ। यहाँ पे जियोड है, क्या ही खतरनाक रिविन है भाई साहब। भाई 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 इसको कभी और दिन देखेंगे पहला। अरे और एक जियोड, ये चिप टॉप के ब्लॉक है, इसके अंदर अगर वो हो गया, वो वाइट कलर कर रहे थे। नहीं, ये टफ के ब्लॉक है। अपने माइनशाफ्ट कहाँ चली गई? अबे साले, मैं बोलने वाला था माइनशाफ्ट मिल गई, अरे मेरे को मार के कहाँ चले गया? अरे पूरा नीचे ही गिर गया वो। और ये माइनशाफ्ट के पिछली बार देखो, वहाँ से ब्रिज करके गए थे, और इस बार डायरेक्ट हमें एंट्री मिल गई। कोई बात नहीं, अरे मैं स्वॉर्ड लाना भूल गया। कोई नहीं, ये उस स्पाइडर के स्पॉनर को बंद करने के लिए लगेगी। देखते हैं अब, और नीचे ये क्या स्पाइडर का स्पॉनर, अगर नहीं, हाँ निकल रही है निकल रही है निकल रही है। नहीं अरे भाई, वाह यहाँ पे ज़ॉम्बी फंसा है। अरे ओ भाई क्या स्पाइडर आ रही है, क्या स्पाइडर आ रही है, मैं फंस चुका हूँ। अरे भाई शील्ड टूट जाएगी। एक तो मर गई, दूसरी भी मर गई, भाई क्या बचाओ। रेल भी लेनी है मेरे को, सेकंड देना जरा भाई। मेरे को पता है ऊपर से आ सकते हो वो, रेल लेने दो। चलो
अगर ज़्यादा भी नहीं मिले तो हम रेल का ड्यूपर बना के ले 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 सकते हैं, इसलिए इतनी रेल काफ़ी है। मेरे को एक स्वॉर्ड की ज़रूरत है, स्टोन है मेरे पास बहुत बढ़िया। मेरे को नीचे आ जा, इनको तो मैं अभी देख लेता हूँ। ये बन गया अपनी स्वॉर्ड, शवल की ज़रूरत नहीं है, शवल जा तू। अब इनको देखता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे तो शवल स्वॉर्ड की ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि ये कॉबवेब तोड़ने के लिए। देखो ऐसे इसे टूट जाते हैं जल्दी, और यहाँ से थोड़ा गोल्ड भी उठा लेता हूँ। चलो अब इनसे पंगे लेते हैं, थोड़ा थोड़े क्या बोलते, अरे स्पॉनर तो पूरा उस साइड है, मैं ये गलत साइड गिर गया था। ये देखो ये हटाओ यहाँ से, अरे अब पॉइजन का इफेक्ट मत दे बस, बाकी कुछ भी कर ले। और ये आने से पहले चलो जल्दी, और इसको बंद हो जा, बहुत बढ़िया। यहाँ पर अपने क्रीपर साफ फूटे थे, कैसी माइन शाफ्ट है ये। ये देखो रेड स्टोन सब उठा लो, आज हम माइन शाफ्ट एक्सप्लोर करने आए हैं, इसलिए जो मिल रहा है वो माइन शाफ्ट का ही है, इसलिए उठाओ सब कुछ, उठाओ कुछ मत छोड़ो। यहाँ से स्टेयर्स आ रही है, अरे भाई निकल, ओ कहाँ से आई पर ये। कहीं से तो आ रहे हैं ये, पर पता नहीं चल रहा कहाँ से। रेस्टोन बहुत मिल रहा है, जितना मिल रहा है उतना उठा लो। क्या ही आवाज कर रहे कान में, चार टॉर्च और टॉर्च बना सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं तो ठीक है। ये मेरे नीचे यहाँ पर तो नहीं स्पॉन हो रहे, टॉर्च लगा देता हूँ। अरे यहाँ पे थी, कहाँ से आ रहे हो। अरे निकल, ओ मर गया मर गया, दोनों तरफ से मर गया। ना ना अरे दिख नहीं रही, क्या ही बचो। अबे इसकी कहाँ कहाँ छुप के बैठे भाई ये, खाना खाओ हेल्थ बढ़ाओ। ये यहाँ पे गलती से लग गया, ये तो थोड़ी जल्दी यहाँ पे, और मेरे को और चाहिए, बहुत बढ़िया। अब तो ये बाहर नहीं आ सकते, इतनी तो गारंटी है मेरे को। अपना स्पॉनर एक्सपी फार्म का काम हो चुका है, इसको यहाँ पे रखो, ये आया यहाँ पे और ये आया यहाँ पे। भाई साहब अब मैं किसी चिंता के माइनशाफ्ट लूट लूट सकता हूँ आराम से, इसको दो। चलो अब आराम से माइनशाफ्ट लूटते, ये देखो पहली चेस्ट अपनी। ओ भाई रिस्पिरेशन 3 टॉर्च मिल गए बहुत सारी, खाना भी मिल गया। अरे वही गलती से चेस्ट नीचे जाती, वाह और एक स्पॉनर है। उससे पहले लैपिस ले लूं, चलो और एक स्पॉनर को बंद करने, और वहां पे क्रीपर भी है। ये तो ये मेरे को मार नहीं रही, मतलब
होगी फुट ऑनर कहाँ पे? अच्छा तो अपने को गाइस और एक स्पॉनर मिल चुका है और मेरे स्वॉर्ड की हालत खराब है। इतने में रुक जाएंगे ना ये, या तब भी बाहर आ सकते पता नहीं मेरे। यहाँ से एक और यहाँ से एक। भाई साहब तो ये वाला रास्ता खोल देता हूँ, आना जाना इजी रहेगा। इसको खोल देता हूँ, क्या क्या चीज़ें मिले मेरे को पता नहीं। मैं सिर्फ कलेक्ट करता जा रहा हूँ। और पीछे जो स्पाइडर ने मारा, आई मीन स्केलेटन ने मारा। अरे अरे और एक स्पॉनर कहाँ पे? कहाँ पे? पहले ही बंद करने दो। क्या स्पाइडर ऐसे स्पॉन नहीं हो सकती, उनके लिए स्पॉनर चाहिए। या ये वहां से भाग के आ गई होगी, मेरे को क्या पता। गोल्ड मिलता जा रहा है, उठाते जाओ भाई साहब। क्या ही मिला है गोल्ड? चलो रीपर पीछे जाके धक्का ना दे जाए, और हम शायद से वो बायोम का नाम भूल जाता हमें। और एक स्पॉनर मिल चुका है और ये हम बाहर आ गए शायद से। चलो इसको भी बंद कर देता हूँ यहाँ पे। भाई क्या ये रोशनी हो रही है एक ही टॉर्च लगाने के बाद। वॉर टूटने से पहले मेरे को इसको बंद करना पड़ेगा। यहाँ पे और यहाँ का तो ये टूट चुका है। यहाँ पे आएगा और मेरे को शायद से ये तीसरा स्पॉनर है मेरा। चलो यहाँ पे नहीं फंसना मेरे को, ये इसको हटाना पड़ेगा। चलो क्या पता हुआ, कुछ है भी। ये कहाँ से निकल गया मैं बाहर, ये पता नहीं कहाँ से तो निकला। यहाँ से भी रास्ता है, माइन शॉट मतलब तुम घूमे जाओगे, तुम्हें पता ही नहीं तुम कहाँ पे हो। आयन की भी जरूरत है। चलो और देखते हैं कुछ मिलता है नहीं तो हम चलते हैं घर पे फिर। यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं। तो मेरे को लगता है हमारे नसीब में सिर्फ और रिस्पिरेशन 2 की बुक थी और ये 3 स्पॉनर ही थे, उसके अलावा इसमें कुछ है नहीं लग रहा। तो यहाँ से मैं आया था और यहाँ को जाना है, मतलब तो जा रहा हूँ। चलो तो ये तो अपनी यही पे आ रही है, यहाँ पे चलते चलो। ओ भाई पीछे से नहीं, नॉर्मल स्पाइडर होगी। यहाँ पे आयन है, हाँ नॉर्मल ही है। ये कुछ कर नहीं रही, मतलब सुबह का टाइम चल रहा है। हट, वो देखो वहाँ से गया था मैं ऐसे, वहाँ तक वहाँ पे जाके आया हूँ। बाप रे, घर पे जाने के लिए हालत खराब होगी। मेरे को वहाँ जाना है। कोई नहीं, वो भी देख लेंगे। आयन उठाओ, कोल मेरे को रखना पड़ेगा जितने मैंने उठाया है, क्योंकि अगर कोल ही नहीं रखूँगा तो घर पे पकाने के लिए क्या यूज़ करेंगे। वैसे लकड़ी यूज़ कर सकते हैं, अपने पास ट्री की कोई कमी नहीं है। तो चलो ये हो गया, अभी देखते हैं कुछ बाकी है नहीं तो चलो घर पे। यहाँ पे कुछ, यहाँ पे तो वही आ गया रास्ता। यहाँ पे तो माइन शाफ्ट नहीं है। ये भाई क्रीपर से मुलाकात नहीं चाहिए, मत मत मैं नीचे गिर जाऊंगा साले। भाई यहाँ से नीचे लावा था भाई, लैपिस कोटा नीचे ना। रिस्की। अरे यहाँ पे क्रीपर था क्या भाई? फट गई ना मेरी। तो रिस्क ना लेते हुए यहाँ से ऐसे चलेंगे और ये लास्ट वाली टॉर्च लगा के भागेंगे। तो मैं अब बोलूँ तो ऐसे माइनशाफ्ट में कुछ नहीं बचा है जो हमें लूटना बाकी रहा है।
ऐसे ही हमें रेडस्टोन या कुछ ऐसी चीजें मिलते रहेंगी। चलो वाह, रेडस्टोन एक स्टैक हो गया, देख सकते हो। तुम्हें कुछ दिख नहीं रहा होगा, रुको लास्ट वाले चार टॉर्च बना लेता हूँ। चलो चलते रहो, यहाँ पे कुछ नहीं है, आगे भी कुछ नहीं है। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि आप घूमने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि सारी जगह पे तो मैं जाके आया हूँ। तो ये जगह कहाँ जा रही, ये भी ऐसे होगी बंद, क्योंकि ये देखो ना नीचे वाले से मैं आया हूँ। रुको, एक एक टॉर्च नहीं बना सकते यार, उसके लिए चार, पर कोई नहीं चलता है, इतना ऊपर चलते हैं। देखते यहाँ पर चेस्ट नहीं मिल रही, एक ही चेस्ट मिली थी अब तक, और इससे मेरा मूड हो रहा है खराब। तो यहाँ पे तो नहीं टॉर्च वेस्ट करूँगा, अरे यहाँ पर लगा देता हूँ बीच में, और इस साइड भी कुछ नहीं है। तो गाइस यहाँ पे अब और टाइम वेस्ट करने से कुछ नहीं होगा, इसलिए हम चलते घर पे और देखते हैं क्या क्या हमने कलेक्ट किया। तो अभी घर जाने का रास्ता तो बहुत कठिन होने वाला है, क्योंकि मेरे को तो पहले ढूंढना पड़ेगा मैं आया कहाँ से था, और वो होने के बाद मेरे को लड़ना पड़ेगा काफी सारे मॉब्स के साथ, और शायद से अपने को रास्ता मिल गया। वाह भाई, क्या ही मारने के लिए तैयार है मेरे को स्केलेटन की आर्मी। और वो देखो वहां से मैं आया था। तो गाइस मैं मिलता हूँ आपको घर पे। तो गाइस आप देख सकते हो मैं फाइनली घर पे पहुंच चुका हूँ, और आप देख सकते हो मेरे एक्स की हालत, और स्वॉर्ड तो टूट गई। तो चलो पहले ऊपर चल लेता हूँ, और यहाँ पे कॉल है, इसमें से इसमें डाल देता हूँ, और ये इसमें डाल देता हूँ, और इसमें जाएगा अपना गोल्ड, और इसमें जाएगा अपना आयन पकने के लिए। तो बाकी का सामान इसमें जाने दो, हमें रेडस्टोन मिला, लैपिस लजूली मिला, और बाकी का ये कूड़ा, ये स्टिकर रहने दो, एक्स फ्लिंट, ये इसको चाहिए, ये कॉबवेब बहुत मिली, ये भी मिला बहुत सारा, तो इसको रख सकते हैं, और ये आएगा यहाँ पे, ये भी आएगा यहाँ पे, और हमें मिली रेस्पिरेशन 2 की एक बुक, तो देख सकते हो। और यहाँ पे गोल्ड पक रहा है, और यहाँ पे आयरन पक रहा है। तो मैं मिलता हूँ गाइस आपको गोल्ड और आयरन पकने के बाद। तो गाइस आप देख सकते हो ये अपना एक बाकी है, यहाँ पे से अपने को मिला है 12 आयरन, और यहाँ पे से मिला है अपने को 17 गोल्ड। तो ये हो गया 17 गोल्ड, और ये हो गया 12 आयरन। तो शील्ड को रख देता हूँ, शील्ड की अभी कोई ज़रूरत नहीं है, ये जाने दो यहाँ पे। तो और देख सकते हो मैंने वहाँ पे अपने लैंटर्न लगा दिए है। तो गाइज कैसे लगे आपको आज की वीडियो, अगर अच्छे लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।